परम धाम जगद्धाम। जय श्री रूक्षनाथन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, सुभाष पंडित की, सकल आचार्य शरण की, ब्रज रानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे नितय गौर हरि। परम मंगलमय कारण करुणा बरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित विदा कुसुमांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विदा कुसुमांजलि श्लोक संख्या 94। निविड़ मदन जूते प्राणनाथे न सार्धम, दयित मधुर कांची जा मदाद विस्मृतासी, शशिमुख समये ताम हंत संभाल्य भंग्या, त्वरित मिह तदर्थ किं त्वया हम प्रहेया। कल आचार्य चरण प्रिया जी की मुख में चर्बित तांबूल का याचना किए थे और आज याद कर रहे हैं कि हे शशिमुखी, हे चंद्रबदनी प्रियाजो, प्राणनाथे न सार्धम निविड़ मधन युद्धे। प्रियालाल के निविड़ मदन युद्ध स्मर युद्ध, श्री कृष्ण सह अत्यंत काम रणे व दैत मधुर कांची मदात विस्मृता। प्रियालाल निवृत्त विकुंज में जब स्मर युद्ध होता है तो स्मर युद्ध के मध्य में मतवाली होकर के प्रिया जी अपने कमर की किंकनी को भूल है। दैत मधुर कांची मदात विस्मृता, आसित समय निवृत्त निकुंज के बाद स्वर्ण वेदी पर प्रियालाल विराजित होते हैं और उस समय सखियों की प्रसन्नता के लिए पहले सखियां नृत्य करती हैं, इसके बाद प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं नृत्य करने के लिए, इसके बाद जुगल मिलकर के सब लोग रास करते हैं। तो रास करते समय कमर की किंकनी बहुत काम करती है, कमर में जो किंकनी बनी रहती है। लेकिन दैत मधुर कांची मदात विस्मृता, उस समय स्मर युद्ध में भूल करके प्रियाजू अपने कमर के किंकनी को आ गई थी। नृत्य काले ताम भग्न्या संभाल्य, कमर में किंकनी नहीं है और नृत्य प्रारंभ हो गया, बिना किंकनी का नृत्य शोभा नहीं दे रहा था, इसलिए प्रिया जी अपने नेत्र भंगी के द्वारा चातुर्जेण अन्विष्या, वहां पर अनंत कोटि ब्रजबालाएं हैं, किंकनियां हैं, सहचरियां हैं,
उनके बीच में प्रिया जी नेत्र के इशारा से तुलसी मंजरी को आदेश देती हैं कि तुम जाओ, मदन सुखदा कुंज में हमारा किंकनी छूट गया है, ले आओ। चातुर नयन आनविश्य हंत तदर्थ, हाय उस सुख का यह त्वरितम किम त्वया अहम कहेया। क्या जब तुम हमको इस प्रकार का आदेश देगी तो मैं उस सेवा में जुट जाऊं, क्या ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य चरण इस मधुर रस का सुख, सेवा सुख का आस्वादन करना चाहते हैं। महात्माओं का जीवन यही है, नित्य निरंतर प्रिया जी के लीलाओं का स्मरण करना। और खास करके जो राधा किंकरियां हैं वो प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त और कुछ चाहती भी नहीं है, नित्य निरंतर प्रिया जी की सेवा ही चाहती है। और खास करके तुलसी मंजरी नित्य प्रति प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रही है। क्या स्फूर्ति क्या विराम, दोनों अवस्था में प्रिया जी की लीला का स्मरण चल रहा है। एक क्षण के लिए भी उस रस से विराम नहीं ले रहे। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हमारा भक्ति उसी को कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मय सर्व गुहास है। हमारी लीला कथा सुन करके अंतस्थ के हृदय के जितने मल है उसको भक्त लोग धो डालते हैं। इतना गाढ़ चिंतन करते हैं हमारी कि उनके मन की जितनी वासना है समस्त नष्ट हो जाता है। बार बार भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय कथा श्रवण करने से चित्त में रहा सहा विषय वासना नष्ट हो जाता है। मई सर्व गुहास है, मनोगति रवक छिन्ना जथा गंगा भसाम बुधव। जैसे तीव्र गति से गंगा जी की धारा पहाड़ से उतर करके समुद्र की ओर जाती है, उसी तरह महात्मा लोग मदगुण श्रुति मात्र बार बार हमारी लीला कथा को सुन करके अपने हृदय के समस्त वासनाओं को धो डालते। मनोगति रवि छिन्ना, नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, एक क्षण के लिए भगवत विस्मृति संत नहीं करते हैं, तैल धारावत चलता है, कभी उसमें टूटता नहीं। खास करके रामानुज संप्रदाय के में वीर राघवाचार्य जी भक्ति का लक्षण वर्णन करते समय कहते हैं, भक्ति कहते ही उसी को, यानी कि 24 घंटा में 23 घंटा भजन किए और 1 घंटा विषय भोग कर लिए, संसार की चर्चा किए, तो उसको भक्त नहीं कहते। जो कहे कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, 23 घंटा 50 मिनट अपना पति की सेवा करता हूँ करती हूँ और 10 मिनट के लिए पर पुरुष की सेवा करती हूँ, पतिव्रता कहलाएगी। उसी तरह जो 24 घंटा अनवरत कृष्ण रस में रहे उसी को भक्त कहते हैं। सुबह से शाम तक 24 घंटा, इसीलिए महात्मा जब भक्त बनते हैं तो उनको गुरु जी अष्टजाम सेवा दे देते हैं, 24 घंटा तुम चिंतन करो, एक क्षण के लिए विराम मत। भक्ति का अर्थ ही होता है तैल धारावत, जैसे तेल की धारा गिराते हैं कभी टूटता नहीं है, उसी तरह भगवान के चरण कमल में भक्त का मत सदैव नित्य निरंतर चलता है, इसी को कहते हैं भक्ति। जब कपिल भगवान माता देहूति को भक्ति योग का वर्णन करते हैं, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयतः, ये जो भगवान की भक्ति है लक्षण, भक्ति योगस्य लक्षणम, जब भक्ति योग के लक्षण का वर्णन करते हैं तो कहते हैं भक्ति उसी को कहते हैं अहैतुक्य व्यवहिता। पहला तो बात है भजन करता है तो भजन के बदले में कुछ चाहिए नहीं, यदि कुछ चाह है तो भजन रहा है, कुछ भी चाह तो भजन नहीं करता, वो उसको कहते हैं वासना संग। तो मान लीजिए हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बिहारी जी से कुछ भी चाह करते हो किसी प्रकार की, तो बिहारी जी का दर्शन नहीं। आज एक महात्मा कथा सुना रहे थे कि एक दिल्ली से बुढ़िया आई थी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए
और बिहारी जी के दान पात्र में 200 रुपया डाले। 200 रुपया डाल करके बिहारी जी का दर्शन करने गई तो पुजारी ने एक लड्डू दिया। तब तो बुढ़िया तब वो बुढ़िया बिहारी जी को गाली देने लगी कि 200 रुपये का तू एक ही लड्डू दिया, मैं तुझको 200 रुपया दिया तुम उसमें एक लड्डू क्यों दे दिया, इसमें अपने बेटा को देंगे कि पति को देंगे किसको दे, एक ही लड्डू क्यों दे। वो गाली देते हुए नीचे उतर और नीचे उतर करके बाहर जे मंदिर के प्रांगण में आई तो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा लड़का आया, हाथ में बैग था और बैग लेकर कहा माँ थोड़ा थोड़ा 2 मिनट रखू, मैं अपना जूता भूल आया हूँ, जूता पहन कर आता हूँ। तो बेचारी माता जी ले ली, वो छोटा सा बच्चा है ले ली, और लेने के बाद वो लड़का आया ही तब तो झोला खोल कर देखती है तो एक कागज पर लिखे थे कि तुम 200 रुपया मुझको दी थी, गिन ले इसमें कितना पैसा है। झोला खोली तो उसमें 400 रुपया एक भी मिठाई का डब्बा था। तो देखिए भगवान का भजन भी करते हैं और भगवान से कुछ चाह करते हैं तो भगवान तो बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, तुम्हें तुरंत रफा दफा कर देता है। लोग तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है केवड़ा के भगवान। अरे भाई तुम भजन करता है भगवान का तो भगवान तो सुजान है, जगत में किसी की मजदूरी करता है तो आदमी तुझको दे देता है, वेतन दे देता है, तुम्हारा मजदूरी दे देता है। अब भगवान तो सुजान है, सुंदर जन है, वो तुम्हारी बदले में क्यों नहीं, क्या तुम्हारा, वो तो सुजान है। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजदूरी देता है क्यों राखे भगवान। जब संसारी प्राणी भी काम कराने पर उसका मजदूरी दे देता है तो भगवान तो सुंदर जन है, तुम्हारा एक पैसा भी मारेंगे नहीं, मूल सहित दे देंगे। लेकिन खबरदार इस रस में उसका गुंजाइश नहीं है, मधुर रस में सेवा के बदले में सेवा करना, सेवा के बदले में सेवा लेना ही महापाप। सेवा मेवा है लेकिन मेवा के लिए सेवा किया जाए तो जानलेवा हो जाता है। भगवान की सेवा अलौकिक वस्तु है, दिव्य वस्तु है, लेकिन किसी वासना के वशीभूत होकर कोई करता है तो भगवान तो दे देते लेकिन वो बड़ा भारी घाटा में पड़ जाते। लेकिन ये गोपियां देखिए, गोपियां कैसी है, ये ब्रज की आराधना क्या है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जिस रस की आराधना कर रहे हैं यह क्या है, इसको कहते हैं स्मृति प्रवाह रूप धुआ स्मृति ध्यान। वो भजन में थोड़ा सा भी रुकावट नहीं, तैल धारावत भगवत स्मृति बन रही है, कभी टूटती नहीं है। आज इसके बदले में कुछ चाह नहीं है, अटूट भगवत स्मृति प्रवाह रूप ध्यान वस्तु भगवान के साथ नित्य निरंतर चल रहा है। अब भगवत विषयक अनुकूलता में कोई कमी नहीं पड़ रही है, इसी को भजन कहते हैं। ये आचार्य वीर राघवाचार्य जी का मत है, रामानुजाचार्य जी के, लेकिन गौड़ीय आचार्य का मत है कि भगवान का भजन का अर्थ होता है आसक्ति करने। जैसे आप अपना बेटा से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, घर से, पैसा से करते हैं, ठीक वैसी प्रीति ठाकुर जी से करें। जब तक आप ठाकुर जी से, भगवान स्वामी से, राधा रानी से आप आसक्ति नहीं करेंगे तब तक आपका भक्ति पूर्ण नहीं। संसारी व्यक्ति जैसे संसार से आसक्ति करके दिन रात मर रहा है, किसके लिए पता ही नहीं, दिन रात मर रहा है किसके लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, संसार के लिए। अब मिलने वाला है क्या, कुछ नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, पागल की तरह है। तो अब काम करता के है तो उसका मूल कारण है आसक्ति, उसको आसक्ति है इसलिए गधा जैसे काम कर रहा है, केवल आसक्ति के कारण। तो आचार्य रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि बस
तुम किसी भी तरह भगवान से शक्ति करो, यही है विलाप कुशल। प्रिया जी से आसक्ति कर लो, जहाँ आसक्ति होती है वहाँ आपका शरीर जाता है, वहाँ आपका मन जाता है, वहीं आपका धन जाएगा, वहाँ आपका प्रत्येक इंद्रियां दौड़ती रहे, यही है विलाप कुशमांजलि का अर्थ। यही है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पत्नी थी, पता है ना, शादी किए थे, उनकी माता थे, उनके पिता थे, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन सब कुछ को भूल गए, उनके पास अब कुछ नहीं रहा, एक ही रहा है, वह क्या है, प्रिया जी। प्रिया जी के अतिरिक्त उनके पास अब कुछ नहीं है, केवल उनकी स्मृति है, उनकी स्मृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसका श्रवण कीर्तन चिंतन केवल राधा रानी के ही बिना छुआ स्मृति है, तैल धारावत उनकी स्मृति चल रही है, कहीं रुकावट नहीं। महाराज इसको भजन माने, भजन माने क्या, विलाप सुनाने। और जब उस तरह आपका मन प्रिया जी के चरण कमल में लग जाएगा, सेवा में लग जाएगा, भगवत कथा में लग जाएगा, भगवान के नाम में लग जाएगा, भगवान की किसी भी लीलाओं में लग जाएगा, तो महाराज उस समय इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है भक्त को, महात्माओं को भगवत स्मृति में, भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में इतना सुख मिलता है कि साक्षात श्री हरि उसके पास आते हैं और आकर के देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, शालोक किसामित पिसायुजी, चारों प्रकार की मुक्तियाँ मिलती देते हैं, लेकिन दीय मानव ने घृणा, दीय मानव ने घृणा थी बिना मत से बनते, उसके पीछे पीछे संसारिक सुख को तो बात ही छोड़ी, साक्षात मुक्ति, ये मुक्ति साधारण नहीं है, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी जैसी लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, वह मुक्ति भक्त के पास आती है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन दीय मानव न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, हमारी सेवा में हमारे स्मृति में इतना सुख मिलता है कि उसको छोड़ फेंक देते नहीं लेते। पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक महात्मा भजन कर रहा था और भजन करते करते भजन के प्रभाव से एक स्त्री वहां प्रकट हो गई, रोज रोज आती, हाथ जोड़कर कहती कि महाराज जी सेवा कुछ फरमाइए, मैं सेवा क्या करूं, क्या करूं। तो महाराज जी चुप रहते थे, एक दिन पूछे कि देवी तुम हो कौन, तो कही कि मैं मुक्ति देवी हूं, मैं आपके भक्ति के प्रभाव से आपकी सेवा करने के लिए आई। तो गुरु जी जोर से चिल्लाए अपने चेला को, नाम आओ आओ गोबर लेके आओ, लिपो लिपो, हमारा आश्रम अशुद्ध हो गया, जल्दी लिपो, हाँ तो प्रेम भक्ति तो प्रकट ही नहीं होगी। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृति में यहाँ तक लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखास्तत्र कथम उपलब्धते। जब तक भोगने की और मुक्त होने की एक प्रबल डाकिनी पिशाचिनी हृदय में रहेगी, तब तक इस रस का कभी अनुभव नहीं होगा, भगवान के नाम का अनुभव होगा, धाम वास की इच्छा होगा, जैसे हम वृंदावन में रह रहे हैं और रहते समय मन में थोड़ी सी भी अभिलाषा होगी कि हमको कुछ भोग मिले, रोटी दाल मिले, मुझे कुछ इच्छा हो गया, मिलेगा स्वतः, लेकिन इच्छा रहेगी कि भोग हमको मिले, तो भक्ति का भक्ति रस का लवलेस भी आपको अनुभव नहीं। ये भोग की बात, अरे महाराज जी भोग तो छोड़िए, कहते हैं मुक्ति की भी इच्छा हो कि हमको वैकुंठ मिल जाए, हमको जन्म न मिले, हम जन्म से थक गए, हमको मुक्ति कर दो, यह भी यदि इच्छा है तो भक्ति रस का स्वादन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आचार्य चरण महात्मा लोग कहते हैं कि ये मधुरा भक्ति है, बहुत उत्कृष्ट भक्ति है, जिस रस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं वो अद्भुत रस है, ये रस साधारण लोगों को प्राप्त नहीं मिलता है, कहाँ तक कहें ब्रह्मा शिव नारद शनकादि इत्यादि से भी भक्ति ध्रुव है, बहुत गूढ़ है। आप भी बताइए ये लोग भजन करके क्या चाहते, भगवान का प्राप्त करना चाहते, यहाँ भगवान ही हाथ जोड़ करके मंजरियों के पीछे रहते हैं, जत किं करी सुबह सह खलुका कुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मोहिनी। अब श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए लोग आराधना करते हैं,
आ इस रस के आस्वादक, इस रस के रसिक को, भक्त को साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही हाथ जोड़ पर खड़े रहते हैं, मंजरियों के चरण पर गिरते हैं, काक बाड़ गिड़गिड़ाते हैं कि हमको प्रिया जी का एक बार दर्शन कराए। तो इस रस में महाराज थोड़ी सी किसी प्रकार की वासना है तो ये भक्ति नष्ट हो जाती, चाहे हो जाए। इसलिए कहते हैं सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूपैकत्वमेव च दीयमानं गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना, देने के बावजूद भी भक्त लोग नहीं देते। ये स्वरूपाविष्ट में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राण, हे शशिमुखी, हे प्रियाजी, आप प्राणनाथ के साथ निविड़ मदन युद्ध का अवसान होने पर स्मर युद्ध, सभी महापुरुष इस रस का खूब सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। स्वामी हरदास के विमाल इसका वर्णन किए हैं, हित हरिवंश जी वर्णन किए हैं, जीव रूप गोस्वामी पाद तो निकुंज रहस्य नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, निकुंज केली वार्ता महावाणी में है, विद्यापति जी हैं, चंडीदास जी हैं, सब महापुरुष स्मर युद्ध का वर्णन किए। प्रियालाल दोनों रंग महल में जाकर स्मर युद्ध करते, वो कैसा युद्ध है इस युद्ध का वर्णन विद्यापति जी करते हैं। विगलित चिपुर मिलित मुख मंडल चांद बिढ़ल घन माला मणिमय कुंडल श्रवण दुरित भेल घाम तिलक बही गाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए स्मर युद्ध है, विगलित चिकुर, प्रिया जी का जो चिकुर केस है बिल्कुल खुल गया, स्मर युद्ध चल रहा है। विगलित चिकुर मिलित मुख मंडल, मुखमंडल प्रियालाल का दोनों मुखमंडल एक में मिल गया, जैसे वैसे ही लग रहा है चांद बेढ़ल घन माला, चांद को चारों तरह से बादल ने घेर लिया ऐसा मुखमंडल हो गया। मणिमय कुंडल श्रवण प्रिया जी के कान का जो कुंडल है मणिमय कुंडल श्रवण दुलित भेल, प्रिया जी के कान का जो कुंडल है वो बार बार उनके कपोल पर लग रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसा युद्ध है कि घाम तिलक बही गेला, इतना जोर से पसीना निकला प्रियालाल के दिव्य शरीर, उनका जो तिलक है बह गया। उस समय विद्यापति जी कहते हैं प्रिया जी का कैसा सुंदर रूप है, सुंदरी तुम मुख मंगल दाता, सुंदरी तुम मुख मंगल। इस संसार में कौन ऐसा भाग्यशाली जीव है जो इस रूप का, प्रिया जी का इस रूप का दर्शन करे, इस रूप का दर्शन केवल मंजरियां ही कर सके और कोई नहीं कर सके। जो प्रियालाल स्मर युद्ध में लड़ रहे हों और उस समय कुंज रंध्र से मंजरियां इस रूप का दर्शन करती है, सुंदरी तुम मुख मंगल दाता, रति विपरीत समर जदि राखब कि करब हरि हर धाता। अरे भाई इस रस में जिसका एक बार भी प्रवेश हो गया वहां विष्णु का क्या काम, हरि हर धाता, शिव का क्या काम, ब्रह्मा का क्या काम, यहां तो उन लोगों का प्रवेश नहीं है। रति
किंकिनी किने किने कंकन कन कन घन घन नूपुर बाजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सुंदरी तुम मुख मंगल दाता सुंदरी तुम मुख मंगल दाता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस समर युद्ध का आज स्मरण कर रहे हैं। स्मरण युद्ध है ना, निबिड़ मदन युद्धे प्राण नाथे न सार्थम। प्रियालाल के साथ जो बिहार चल रहा है वह बिहार कैसे चल रहा है, तो मधुर कांची जा मदा विस्मिता, ऐसा समर युद्ध चल रहा है कि एक एक आभूषण टूट टूट के गिर रहे हैं। रति विपरीत समर जदीरा कब, एक विपरीत रति है। विपरीत रति कौन स्थिति है, आठवां स्थिति है आलिंगन चुंबन नक्षत दंशत संवेशन स्वीकार, विपरीत रति। इसके बाद नोक छू, विपरीत रति में रति विपरीत समर जदीरा कब की करब हरी हर दाता। किन 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 नूपुर रुन छुन किन 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 कंकन कन कन घन घन नूपुर बाजे। प्रिया जी उस समय चंडी का उदाहरण कर ली, चंडी को जानते हैं ना, घन घन चंडी का रूप है। जय जय भई रवि यसुर भयावली पशुपति भामिनी माया, ये माया कट कट विकट ओट पुट बाजे, जो चंडी का रूप है किशोरी जी का, ये भयंकर निवृत्त निपुंज में रति रन मदन प्राभव मानल रति रन मदन प्राभव मानल जय जय दुंदु विबाजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। देखिए चंडी का रूप कहाँ से आ गया, आज बाबा बड़ा सुंदर बात करते हैं, किशोरी जी के अंग से पांच देवियां प्रकट हुई, कौन कौन, सरस्वती गायत्री गंगा दुर्गा कौन कौन सवित्री सरस्वती निकली है कहाँ से, जीव से, गायत्री कहाँ से निकली है, कंठ से ना? दुर्गा निकली है शीर्ष, लक्ष्मी कहाँ से निकली है, भुजा से, राधा रानी कहाँ से निकली है, ये पांचों देवियां प्रकट हुई। रति रन सब देवियों का काम है, प्रिया जी के कोई काम नहीं, सरस्वती का भी काम है, दुर्गा जी का भी काम है, इन पांचों देवियों का काम है संसार में, लेकिन प्रिया जी का कोई काम नहीं, सब लोग डरता है। प्रिया जी गंगा जी पर एक बार नाराज हो गई थी, गंगा जी ऐसे प्रियालाल बैठे हुए थे और गंगा जी देख रही थी श्याम सुंदर को, प्रिया जी देखी कि क्यों देख रही है, ये क्या करेगी, तो गंगा जी के प्रेम के वशीभूत होकर के प्यारे श्याम सुंदर गंगा जी के पास आए और प्रिया जी को पता चला कि ये गंगा जी के पास गए हैं, ओ प्रिया जी क्रोध में चंडी का रूप धारण कर, गंगा जी इतनी डर गई, इतनी भयंकर डर गई कि डर करके श्याम सुंदर के चरण में विलीन, चरण में जब विलीन हो गई तो पूरा संसार हाहाकार मच गया, पानी कहीं मिला नहीं, सब देवता भगवान के पास गए और ठाकुर जी से प्रार्थना किए कि अब तो जल नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कहीं से जल लाई,
ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे तो ब्रह्मा जी कहे कि जल तो मैं ला दूंगा लेकिन चंडी अरे राधा रानी को तो आप लोग प्रसन्न कर दो, यदि हम गंगा ला भी दे तो सूख जाएंगे प्रिया जी, तो आप लोग किसी तरह राधा रानी को प्रसन्न कर लो। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है राधा कवच राधा सहस्त्र नाम खूब राधा की स्तुति किए सब देवता मिल गए। तब प्रिया जी प्रसन्न हो तब ब्रह्मा जी भगवान के चरण से गंगा जी को प्रकट करते। तो ये प्रिया जी ऐसे हैं कि प्रिया जी अपने गुण गणों के द्वारा श्री कृष्ण को हमेशा वश में किए रहते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर श्री कृष्ण का मन एक सेकेंड के लिए अब कहीं नहीं जाता, यही है ना निरंतरम वशीकृतम प्रतीत नंद नंद, चौबीसों घंटा प्रिया जी के गुण गण से प्यारे श्याम सुंदर हमेशा मुक्त रहते हैं, कहीं जाते नहीं। आज प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को हरा दिए, गीत गोविंद से थोड़ा सा ऊंचा विद्यापति का पद। गीत गोविंद में तो लिखा गया है कि प्रिया जी श्याम सुंदर से हार गए, द्वादश सर्ग में है हार गए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं रति रन मदन पराभव मानल, रति रन मदन पराभव मानल जय जय दुंदु विवाजे, विद्यापति कबीर सगावय विद्यापति कबीर सगावय जामुन मिलल गंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार स्मर युद्ध चल रहा है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला का स्मरण करते हैं। निबिड मदन जूधे प्राणनाथे नसार्धम दैत मधुर कांची जामदा विस्मृतासी। उस मर युद्ध में प्रिया जी के कमर का किंकिनी भूल गया, किंकिनी जब भूल गया और रास करना है, रास में किंकिनी की बहुत आवश्यक है, बिना किंकिनी का रास होगा नहीं। किंकिनी की आवाज के द्वारा ही प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी अपनी ओर आकृष्ट करती खींचती, तो बहुत काम की चीज है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में लिखा गया है जब फूल तोड़ने के लिए किशोरी जी आई है और फूल तोड़ते समय सीता जी के कमर का किंकिनी जब बजता है, किंकिनी नूपुर किंकिनी धुनि सुनी कहत लखन सम राम वचन, मानो मदन दुंदुभि।